ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81 एग्जाम्पल नंबर 81 विच इज अगेन वन ऑफ द सॉल्व्ड एनसीईआरटी टेक्सट बुक क्वेश्चन द क्वेश्चन रीड्स द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी बाय आई और वोल्टेज वी इज इक्वल टू आई करंट इनटू आर रेजिस्टेंस दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन 10th स्टैंडर्ड ओम्स लॉ राइट सो हियर इट इज गिवन रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी बाय आई वेयर वी इज गिवन एंड आई इज ऑल्सो गिवन बोथ द वैल्यूज हैव रिटन ओवर हियर यहाँ पे लिखा हुआ है सेम हैव रिटन ओवर हियर फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर फाइंड करना है कितना फालतू चलो द फॉर्मूला गिवन टू अस इज व्हाट आर इज इक्वल टू वी बाय आई आर इज इक्वल टू वी बाय आई दिस इज रिजेंबलिंग टू विच फॉर्मूला दैट वी हैव ऑलरेडी डन डिवीजन वाला एक्स इज इक्वल टू ए बाय बी एक्स इज इक्वल टू ए बाय बी वी हैव ऑलरेडी डन चलो वी कैन से डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स का समेशन विल बी द फ्रैक्शनल एरर ऑफ द रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी क्लियर ओके लिखो इसमें कैसे लिखोगे डेल्टा वी बाय वी डेल्टा वी इज दिस सो 5/100 प्लस डेल्टा आई बाय आई दिस इज डेल्टा आई दिस इज आई सो 0.2/10 सी यहाँ पे वी बार नहीं लिखा आई बार नहीं लिखा आर बार नहीं लिखा इट्स फाइन डज नॉट मैटर सम्स करते करते यू विल बी एक्वेंटेड बार लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता यू शुड नो द मीनिंग ऑफ व्हाट वी आर राइटिंग दैट्स ऑल ओके सो अच्छा सी मेरे जैसे जो मैथ्स नहीं जानने वाले जो लोग होते हैं वो ये कर सकते हैं into 10 ठीक है अरे स्टेप चेंज नहीं हो रहा मैंने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 10 कर दिया सो दिस विल एंड एज 5/100 प्लस 0.2 × 10 2/10 × 10 100 पता चल रहा है क्या किया राइट सो दिस विल एंड एज व्हाट डिनोमिनेटर सेम मतलब ऊपर वाला ऐड हो जाएगा डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज क्लियर ओके डेल्टा आर बाय आर मिल गया बस इसको यही रखना है इससे ज़्यादा और वो 0.07 नहीं करोगे तो भी चलेगा क्यों हमें चाहिए परसेंटेज एरर डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू 7/100 जो भी वैल्यू आया फ्रैक्शनल एरर का जो भी वैल्यू आया इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा दिस गेट्स कैंसर दिस इज द रीज़न मैथ्स प्रेमी नहीं होता ना उनको शॉर्टकट आते रहते हैं 7% नो ऑफेंस टू एनीबॉडी ये खुद की बात है ओके दिस वन मोर मेथड दैट आई कैन शो यू विच इज ऑल्टरनेट टू दिस ये ज़्यादा इजी है या वो दिखाऊंगी उसके बाद वो ज़्यादा इजी है दैट यू डिसाइड दोनों ही बहुत फालतू है बहुत इजी है ओके वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ परसेंटेज सब्स्टिट्यूशन कैसे डेल्टा आर बाय आर अगर परसेंटेज लिख दिया तो ये साइड भी लिखना पड़ेगा डेल्टा वी बाय वी परसेंटेज प्लस डेल्टा आई बाय आई परसेंटेज क्लियर जब हम परसेंटेज लिख रहे हैं मतलब जो भी वैल्यू लिखेंगे उसके साथ हम 100 मल्टीप्लाई करने वाले हैं ओके चलो अब ये दो स्टेप आई एम नॉट राइटिंग आई एम राइटिंग दिस डायरेक्टली राइट क्योंकि ये यू कैन रिपीट ऑन द राइट साइड वाला पोर्शन ओके सो दिस इज व्हाट 5/100 दिस इज आर डेल्टा वी बाय वी अच्छा परसेंटेज इफ आई एम राइटिंग देन दिस विल बी इनटू 100 ओके प्लस डेल्टा ए बाय आई ये पूरा नाटक करके आई कैन डायरेक्टली राइट एज 2/100 ओके दिस इज व्हाट डेल्टा ए बाय आई इनटू परसेंटेज लिखा इनटू 100 ओके दिस इज डन अब क्या हुआ कैंसिल सो दिस इज व्हाट 5% 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया मतलब अब ये सिंबॉलिकली वी कैन राइट प्लस 2% इज इक्वल टू 7% डन हो गया ये क्लियर सो वी हैव फाउंड आउट परसेंटेज एरर इन आर इज इक्वल टू 7% आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन डन